ग्वालियर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान सातिर वाहन चोर गैंग के एक सदस्य को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए चोर से 6 बाइक बरामद की है। चोर ने पुलिस को बताया कि वह डैम घूमने आए सैलानियों के वाहनों को मास्टर चाबी से ताला खोलकर उन्हें चुरा लिया करते थे। चोरी किए वाहनों को भिंड, मुरैना और उत्तर प्रदेश शहरों में ठिकाने लगाते थे। वाहन चोर गैंग के खिलाफ तिघरा थाने में 3 मामले दर्ज हैं। तिघरा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि तिघरा डैम और नलकेश्वर मंदिर के पिकनिक पॉइंट पर घूमने आए सैलानियों के वाहनों को चोरी करने वाले सातिर चोर गैंग का एक सदस्य चोरी की बाइक बेचने की फिराक में तिघरा डैम की ओर आ रहा है। मुखबिर की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने थाने की एक टीम बनाकर चेकिंग के दौरान तिघरा की ओर बाइक पर सवार होकर आ रहे एक संदिग्ध को पकड़ा। जब पुलिस ने उससे गाड़ी के कागजात दिखाने को कहा तो उसने यह कहा कि उसका यह वाहन चोरी का है और उसने चोरी किया था। पुलिस पकड़े गए वाहन चोर को थाने लेकर पहुंची, जहां पूछताछ करने पर पकड़े गए चोर की पहचान भारत गुर्जर निवासी मुरैना के रूप में हुई है। चोर का कहना है कि उसने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर 2 पहिया वाहनों की चोरी की थी। पकड़े गए चोर की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के 6 2 पहिया वाहन बरामद किए हैं। पकड़े गए चोर का एक अन्य साथी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वह चोरी किए वाहनों को भिंड, मुरैना और धौलपुर राजस्थान व झांसी उत्तर प्रदेश में सस्ते दामों पर लोगों को बेच दिया करते थे। तिघरा थाना प्रभारी सुरेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि तिघरा घूमने आए सैलानियों के वाहन चोरी करने वाले एक वाहन चोर चोरी की बाइक बेचने के लिए तिघरा की ओर आ रहा है, जिस पर चोर को गिरफ्तार कर उससे 6 बाइक बरामद की है, जिनको उन्होंने पिछले कुछ दिनों में चोरी किया है। हमको सूचना प्राप्त हुई कि ये अपने डैम क्षेत्र से जो बाइक वाहन चोरी गई है, उसमें से एक वाहन चोर इधर तिघरा की ओर आ रहा है वाहन बेचने की फिराक में। तो उसको क्या हमने चेकिंग लगाकर उसको पकड़ा। 6 गाड़ियां हमारी बरामद हो गई हैं। बैकग्राउंड इसकी थाना तिघरा में 3 अपराध पंजीबद्ध हैं इसके विरुद्ध। तक जो जानकारी उसके द्वारा प्राप्त हुई है, ग्वालियर से ये गाड़ी ले जाकर मुरैना धौलपुर साइड इसका बेचना बता रहा है। ये डुप्लीकेट चाबी नहीं है कि उसके पास मास्टर की टाइप का बता रहा था कि उससे हम लोग लॉक तोड़ देते हैं 1-2 सेकंड में। और चोर है इसके साथी जो अभी फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी कर। चोरी को रोकने के लिए हमें 2 चीज़ों पर बड़ा ध्यान देना होगा। एक तो हम गाड़ी को पार्किंग में लगाएं, दूसरी बात यह है कि हम गाड़ी में अगर चोरी भी हो रही है तो GPS सिस्टम लगाया जाए गाड़ियों में, जिससे उनको ट्रैक किया जा सके चोरों को।